ठीक है, लाइट ऑन हो गई है। समर चौथा साइड है, अगर आपने स्टिकर्स यूज करने हैं तो उस दिन आपने बेल नहीं यूज करना है, जो जो बोलेगा उसको बोलना थोड़ा, तो आपने अगर जब इसमें बेल ऐड करने हैं या आप कहोगे तो वायरलेस माइक लगा लो, तो भी लूप से नहीं होगा। बात है आपने कौन से सेशन में आप ऐड कर रहे हैं, विंटर में समर में एग्जाम, ठीक है, और उसके अलावा आपने ऐड करो उसमें आपने सबसे पहले टाइम कौन सा, कितने टाइम पे कौन सा पीरियड लगता है, सब टाइम है जो भी, उसके बाद उसमें आप समर नंबर कौन सा, ये समर नंबर लिस्ट है, आप जैसे पीरियड नंबर 1 से 9 तक तो 9 ही हो गया, मान लो सुबह जब असेंबली है एक देंगे वो 13 नंबर, लंच टाइम के 10 है, लंच टाइम ऑफ की 12 है, तो ये टाइम अब ये भी आप उसके आगे नोट कर लें, साउंड नंबर आता है कौन सा है, ध्यान से लगा तो अपने स्कूल के बड़े नाम, उसका भी कौन कौन से डेज को, मान लो कई स्कूलों में सैटरडे को हाफ डे होता है, 2 मई है, तो हम तो आप प्रेयर करवा रहे हैं बच्चों, जो रेगुलर वाले हैं मंडे टू फ्राइडे, ये क्या ना उनको अपन डेज का आपको बताया जाए, डेज के भी उसमें ऑप्शन है कि ये वाला जो हम अलार्म सेट कर रहे हैं वो कौन कौन से डेज को कितने टाइम पे कौन से साउंड नंबर के साथ, तो आप मंडे टू फ्राइडे वो रख लो, सैटरडे के लिए आप उसमें और ऐड कर लो, सैटरडे रिकॉर्डिंग है जो भी, तो उसके लिए सबसे पहले ये आपको मैं चीज का बता देता हूँ, ये स्क्रॉलिंग के लिए प्लस प्लस एंड माइनस के लिए, ये नेक्स्ट पे जाने के लिए ऑप्शंस में, और उसके बाद में ये एंटर का है, ये एग्जिट का है, सबसे पहले आपने जाना है मेन्यू में सेट न्यू अलार्म, एंटर कौन से में, अभी अपन समर में किया हुआ विंटर उसमें कर लेते हैं, सॉरी विंटर में किया हुआ समर में कर लेते हैं, फिर एंटर, ये अपना टाइम आ गया, सबसे पहले हम यहाँ से टाइम वो सेट करेंगे, जैसे अपने 9 बजे का वो था असेंबली का, पहले मिनट्स और फिर नेक्स्ट आप यहाँ खड़े हो तो कंप्लीट होने से पहले आपने वो नहीं करना, एंट्री एग्जिट वो स्टोर हो जाएगा, ये हो गया टाइमिंग का, अगर 10 सेकंड्स का रखते हैं नॉर्मली साउंड, अगर आप कुछ और लगा रहे हैं मॉडल से नेशनल एंथम या कोई और सॉन्ग लगा रहे हैं म्यूजिक लगा रहे हैं तो वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसका बढ़ाया घटा लेंगे, उसके बाद में ये डेज आ गया आपके, ठीक है, ये रिपीट के लिए आपने नहीं यूज़ करना, ये क्या साउंड नंबर, अब 9 बजे कौन सा साउंड नंबर आपने लगाना है, असेंबली का, असेंबली एरिया का 13 नंबर साउंड, ठीक है, उसके बाद में ये डेज आ गई, ये संडे को ऑफ रखा हुआ बाकी डेज को ऑन है, वैसे अगर मान लो आपने वो करना हो कि सैटरडे को ऑफ करना है, सैटरडे पे आए यहाँ से इसको ये ऑफ, ये वाला जो पर्टिकुलर अलार्म है अपना ये 9 बजे प्ले होगा 10 सेकंड के लिए, 13 नंबर उसमें साउंड चलेगी और इन इन डेज को चलेगा, फिर सैटरडे को नहीं चलेगा, सैटरडे को ऑन रखना था ऑन है, अब इसके बाद में एंटर दबाना है, अब यहाँ से अगर आप एंटर करते हो तो नेक्स्ट अलार्म ऐड करने के डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, अरे अब आप एग्जिट करते हो तो ये वाली तो स्टोर हो जाएगी बट ये मेन्यू से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है, तो मैंने एग्जिट कर दिया, वो वाली स्टोर होगी और वहाँ से एग्जिट हो जाएगी, अब ये समर में आई है, अपने समर में अगर आपने समर वाली प्ले करनी है तो यहाँ से मोड अपने को चेंज करना पड़ेगा, अभी अपना विंटर वाला जो सेशन ऐड किया होगा वो वाला चल रहा है, अगर आपने दूसरा सेशन का प्ले करना है जैसे आपने गर्मियों का मान लो 7 बजे से टाइम है जो भी है वो आपने डाला हुआ है उसका आपने चलाना तो आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, और वहाँ पे बाद में जाएंगे पहले, उसके बाद यह शो अलार्म टोटल कि आपने कितने अलार्म ऐड की हुई है, समर में 11 है मैक्सिमम 45 कर सकते हैं, विंटर में शो अलार्म टोटल समर में और बाहर उसका सीवर लगा देंगे जहाँ पे वो अलग अलग बनाए ना मेन्यू वो सारे आपके अंदर चलो अशोक जी वो ले रहा होगा इस माइक ये अलार्म का डेटा हो गया एडिट अलार्म अगर आपने मान लो टाइमिंग गलत डल गई या टाइमिंग का मान लो 5 मिनट का 10 मिनट का आगे पीछे कर लेते हैं पीरियड्स का वो टाइमिंग चेंज करनी है या मान लो आपने टाइमिंग सही है रिंग वो साउंड नंबर वो गलत लग गया वो आपने चेंज करना जो भी आपने एडिट करना हो तो एडिट अलार्म में गए
एंटर, कौन से सेशन की, विंटर की, फिर एंटर। ये आपकी 9 बजे वाले अलार्म आ गए, 9 बजे 10 सेकंड के लिए 13 नंबर साउंड बोलेगा, इन डेज को बोलेगा। इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो जो भी चेंजेस जहाँ से भी करने हैं वहाँ पे गए, मान लो साउंड नंबर अपने गलत 12 दे दिया था, अपन 13 करना था, यहाँ से 13 किया, फिर एंटर। ये उससे नेक्स्ट वाली आ गई, मान लो ये नहीं करनी अपन, उससे नेक्स्ट वाले करने हैं, नेक्स्ट ये रियल टाइम। इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, 25 साल में एक बार पड़ती है, बट फिर भी अगर आपका टाइम चेंज हो गया, बेल का टाइमिंग चेंज हो गया, डेज चेंज हो गया, कुछ भी है तो वो आपने सेट करो, तो वो यहाँ से वीकडे आज सैटरडे चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से हो गया, ये नेक्स्ट का हो गया, फिर फेब्रवरी है नेक्स्ट 20 तारीख ये हो गया एंटर। अब ये टाइमिंग का है, टाइमिंग का अपना ठीक है। ये ऑपरेट मोड आपने जो सेशन चूज करना है कि कौन से वाले सेशन के आप जो अलार्म से या नोटिफिकेशन आपके चलने चाहिए। अभी विंटर में चल रहा है आपका, मान लो जब आपने समर में आपने अलार्म सेट कर दिया गर्मी में, या डे आपका जो टाइमिंग चेंज हो गया तो आपने समर में ऐड किया हो, तो आपने यहाँ से चेंज करना, तो समर में जाके आपका अभी ये समर में चलेगा, अपने को विंटर में चाहिए। या मान लो जैसे एग्ज़ाम होते हैं बीच में, तो एग्ज़ाम वाला अपन सेट किया हुआ है, जैसे 9 से 12 एग्ज़ाम, आप इसमें हॉलीडेज भी सेट कर सकते हो। अगर मतलब हॉलीडेज नहीं करेंगे इन फ्यूचर, मान लो मंडे से सैटरडे तक है, मान लो एकदम से ऑफ होता था, तो अलार्म बजेंगे अपने आप पर वो स्कूल्स में, मतलब जैसे अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्या इसको आते ही? हाँ, ऑन तो करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो मतलब ऑफ रहेगा तो वो बंद ही रहेगा। हाँ, ऑफ रहेगा तो लगा ऑटोमेटिक है। हाँ, ये बेल टाइप का है, ये आपने चेंजेस नहीं करना है इसमें। ये हमारा टेक्निकल पर्सन जो भी आएगा, मैं हूँ कोई भी आए, वो यहाँ चेंज करेगा, वो इसके अप्रोच के लिए है कि आपने इलेक्ट्रिक वाली चलानी है, साउंड वाली, अपनी ऑडियो वाली चल रही है। ये बेल में जो साउंड है उनको टेस्ट करने के लिए, ये जब आप इसमें लगाओगे एक, मान लो जैसे आपको इन केस ये आपके पास नहीं है लिस्ट, या इन केस आपको नहीं है आपके कौन से नंबर पे कौन से साउंड है, तो आप टेस्ट बेल साउंड में जाके अपना यहाँ पे ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्ट एम्पलीफायर को सप्लाई देके फिर चलाओगे, फिर तो सारे स्कूल में वो आवाज़ चलने लग जाएगी। तो यहाँ से आप जब प्रेस करोगे तो आपको आ जाएगा पहला साउंड नंबर 1 प्ले हो रहा है, और उसके ऑडियो आएगी, आपको पता चल जाएगा 1 नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, ये लिस्ट आपने दोबारा जनरेट करनी होता है। ये मैनुअल बेल के लिए है, इनके साथ आपको मान लो जैसे बीच बीच में ये रिपीट करनी पड़ती है दिन में कई बार, कोई भी चीज़ मान लो जैसे आपने कीप साइलेंस का लगाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो आपने प्रिंसिपल की आवाज़ में या किसी के आवाज़ में कीप साइलेंस का एक साउंड रिकॉर्ड किया, मेमोरी कार्ड में डाला, और उसका साउंड नंबर नोट कर लेंगे कौन से साउंड नंबर पे है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे गए, यहाँ पे आप जिस भी नंबर पे वो साउंड नंबर डाला हुआ है वो साउंड नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आप यहाँ पे 54 पे ले या 47 है, उसके बाद में एक फाइल आपने कॉपी की, वो हो गया 48 नंबर साउंड, ठीक है, मेमोरी कार्ड में 47 साउंड्स हैं पहले, उसके बाद में एक फाइल और कॉपी की, वो हो गया 48 नंबर कंटिन्यूसली। हाँ, वो जैसे एक एक फाइल ऐड करोगे तो वो एक एक वो आगे नंबर ऐड होता रहेगा, वो आप लिख लेना यहाँ पे। तो वो वाला साउंड नंबर अपन यहाँ देंगे, ये वाला साउंड नंबर अपने वो मैनुअली चलाना है, और उसको चलाने का यहाँ से जितनी देर ये दबा के रखोगे उतनी देर प्ले होगा, और वही वाली साउंड। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल से टीचर्स मीटिंग रहती है, मीटिंग रहती है, या मान लो जैसे आपने बार बार आपने कीप साइलेंस के लिए बार बार प्रिंसिपल तो यहाँ आया नहीं है, जिनके भी आवाज़ में आपको लगे कि हाँ उनके साउंड से बच्चे शांत हो जाएंगे, उनकी साउंड वाली है कुछ भी आपने, वाहेगुरु वाहेगुरु या कुछ भी आपने साउंड आपने बार बार दिन में यूज़ करनी, मैनुअली आपने यूज़ करनी है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग तो चले गए, वो तो अलग ही हो गए। हाँ, क्यों अनाउंस करना है जो भी, तो वो आप मैनुअली यहाँ से डायरेक्ट
जब स्टैंड बाय मोड में, तब यहाँ से आप जितनी देर दबा के रखोगे उतनी देर वो चलेगी। और अगर आपने इन केस इसको साइलेंट करना है, सिस्टम अपने ऑन रखना है वहाँ से अनाउंसमेंट के लिए, टाइम पीरियड का आपने नहीं रखना है, तो आप इसको साइलेंट कर सकते हो। ये भी साइलेंट है, स्टैंड बाय मोड में एंटर करोगे ना तो ये साइलेंट, या अब साइलेंट स्टैंड गया। ठीक है, और अगर मान लो आप जैसे इस वाले विंटर सेशन में टाइमिंग अलग है, नेक्स्ट वाले मान लो अगर कुछ चेंज हो जाता है, तो आपने या तो आप उसको एडिट कर लो जो लास्ट चल गई उसी को, या आप इरेज करके नए सिरे से दोबारा डाल दो सारी, वो अलग से ऑप्शन होगा। और इरेज करने के लिए हाँ क्लियर अलार्म कौन से वाले में से करनी है आपने, समर में से। अब ये समर की सारी अलार्म क्लियर हो जाएंगे।